हेलो एग्री कल्चरिस्ट, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर के एकेडमिक सेशन 2022-23 के एडमिशन के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर ने हाल ही में 17 सितंबर 2022 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसमें उन्होंने पीजी प्रोग्राम अकेडमिक सेशन 2022-23 के बारे में बताया है या कि कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ CAU में कुछ ऐसे कोर्सेस ऑफर्ड किए गए हैं जिसके लिए UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कॉलेज वाइज टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इरोम सिम्बा इम्फाल मणिपुर में टोटल MSc एग्रीकल्चर की 35 सीट हैं, जबकि MSc हॉर्टिकल्चर की 9 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी इन एग्रीकल्चर साइंस बारापनी मेघालय में 43 सीट्स हैं, जिसमें MSc एग्रीकल्चर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, MSc एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, MSc एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, MSc एग्रीकल्चर साइंस की सीट्स हैं एंड 5 सीट हैं वो एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट की हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में MSc एग्रीकल्चर की टोटल 2 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में 12 सीट है MSc हॉर्टिकल्चर की एंड 6 सीट है MSc फॉरेस्ट्री की। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी रानीपुर सिक्किम में 15 सीट है MTech की, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट में MTech है। कॉलेज ऑफ फिजिक्स लेम्बुचिरा त्रिपुरा में MFSC की टोटल 28 सीट हैं। कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री सेलिस एज वेल मिजोरम में टोटल 55 सीट है, जो कि MBSC की हैं। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस तुरा मेघालय में टोटल नंबर ऑफ सीट 4 है, जो कि MSc कम्युनिटी साइंस की हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में। अगर आपकी एज 19 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है 31 अगस्त 2022, तो आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 ईयर का होना चाहिए। जिस भी कैंडिडेट का अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम 3 ईयर का है, वो इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप MSc एग्रीकल्चर, MSc हॉर्टिकल्चर, MSc फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी ICAR से एक्रेडिटेड होनी चाहिए। लेकिन अगर एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं एंड आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 ईयर का है, तो इसके लिए ICAR के साथ साथ UGC से रिकॉग्नाइज स्टूडेंट भी एलिजिबल है। अगर आप एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको पर सेमेस्टर ओनली 58,550 रुपीज पे करने होंगे। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 16 अक्टूबर 2022 को है। उस पे ऑप्टेंट मार्क्स के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। आपका 16 अक्टूबर 2022 संडे को एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट में MSc एग्रीकल्चर प्रोग्राम के कैंडिडेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 10 AM to 12:30 PM पर होगा एंड सेकेंड शिफ्ट 1:30 PM to 4 PM पर होगा, जिसमें MSc हॉर्टिकल्चर, MSc फॉरेस्ट्री, MTech, MBSc, MBSc, MSc कम्युनिटी साइंस एंड MBA के स्टूडेंट के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। आप अपनी काउंसलिंग 19 अक्टूबर 2022 वेनेसडे को करा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट 10 AM to 1 PM पर MSc एग्रीकल्चर कैंडिडेट के लिए काउंसलिंग की जाएगी एंड 1:30 PM to 4:30 PM पर MSc हॉर्टिकल्चर, MSc फॉरेस्ट्री, MTech, MFSc, MBSc, MSc कम्युनिटी साइंस एंड MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट की काउंसलिंग की जाएगी। अब हम बात करते हैं फी डिटेल एंड इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। आप अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 20 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक फिलअप कर सकते हैं। आप अपना एडमिट कार्ड CU की वेबसाइट से 11 अक्टूबर 2022 ऑनवर्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये डेट टेंटेटिव है। एंड आपका काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी का नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर 2022 को आ जाएगा, लेकिन ये भी टेंटेटिव है। हम बात करते हैं फी के बारे में कि आपको आपकी एप्लीकेशन फी कितनी पे करनी होगी। अगर आप जनरल OBC एंड EWS के कैंडिडेट हैं, तो आपको 1000 रुपीज पे करने होंगे। SC, ST, PWD या थर्ड जेंडर के कैंडिडेट हैं, तो आपको 500 रुपीज पे करने होंगे, लेकिन आपकी फी नॉन रिफंडेबल होगी।